Hello everyone and welcome back to Design Camps part number 3. This is the final part in this online workshop. In this part we'll be looking at Photoshop, Adobe Photoshop, the interface and all the things that are most commonly used. Also, first of all, let's just talk about why Photoshop is used. So Photoshop is basically used for Illustrator is used for vector graphics या आपका print graphics ज़्यादातर. तो ऐसे ही Adobe Illustrator जो है वो image manipulation और अपना जो screen graphics है उनके लिए ज़्यादा use किए जाते हैं. अब जैसे हमने vector graphics कहा था Illustrator के अंदर, तो वैसे ही raster graphics होते हैं Adobe Photoshop के अंदर. उनका यह मतलब है कि वो pixel based हैं, तो वो उसका जो भी कंटेंट हम ज़्यादातर इसके अंदर बनाते हैं वो सारा कंटेंट हम बनाते हैं डिजिटल स्क्रीन्स के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गई या कोई आपको इमेज एडिट करके ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको किसी बंदे को कहीं से निकाल के दूसरी किसी इमेज में डालना होता है. पोस्टर्स हैं सोशल मीडिया के, ब्लॉग बैनर्स हैं वगैरह, ऐसी बहुत सारी कई चीज़ें हैं जो फोटोशॉप में हम बनाते हैं. ठीक है, अब ऐसे है कि हम लोग को अब पता है कि फ़ोटोशॉप क्यों यूज़ किया जाता है. इंटरफेस के ऊपर आते हैं, तो इंटरफेस जो है ये आपके आगे मौजूद है इस वक्त. देखते हैं, तो मेरे पास है एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी 2018 वाला वर्जन. इतना कोई वही बात है जैसे इलस्ट्रेटर में थी कि कोई अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं. हाँ, अब स्टार्ट करेंगे शायद ये ऐसा ना हो, लेकिन it's the same thing, it's nothing to worry about. When you start off, if you have Adobe Photoshop 2018, so if you start off you'll have this. और अगर आप दूसरा कोई है तो उसमें भी आपके पास एक स्टार्ट स्क्रीन में ऐसा ही होगा कुछ. ठीक है, आपके पास ये लिस्ट व्यू होगा, आप टॉगल करके इस व्यू में आ सकते हैं, वरना ये व्यू आ गया. ठीक है जी, इधर आ जाता है हमारा मेन्यू बार. अब मेन्यू बार के अंदर हम जाके इधर आ जाते हैं न्यू फाइल बनाने के लिए. न्यू फाइल में हम जैसे गए तो हमारे पास अभी ये मेरी रिसेंटली सेव्ड साइजेस हैं सारी, जो कस्टम पे मैंने काम किया हुआ है. उसी की तरह जिस तरह हमने पहले बात की थी उसमें इलस्ट्रेटर पर, कि ये सारी टैब्स हैं उनमें एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ मतलब साइजेस वगैरह बनी हुई हैं. एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये मोबाइल आपने इलस्ट्रेटर में भी देखा होगा, लेकिन ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी है. अब ये जो मोबाइल या मोबाइल या मोबाइल के साइज़ जो हैं ये आपके पास मौजूद हैं, और ये क्यों हैं तो काफ़ी एक टाइम था पहले जब UI के जो सॉफ्टवेयर अब हैं फिगमा है, स्केच है वगैरह, वो पहले नहीं थे, तो फोटोशॉप ही यूज़ की जाती थी और किया जाता था. और ये था कि उस वक्त ज़माने में तो UI का इतना कोई ख़ास कॉन्सेप्ट भी नहीं था. अब है और अब उनके सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो आज तक फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं UI डिज़ाइन के लिए. जैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2018 और 19 में जैक्सटन जो है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन जैक्सटन का जो उस ज़माने में था तो जैक्सटन फ़ोटोशॉप ही यूज़ किया करता है और था, आई थिंक अभी तक फ़ोटोशॉप ही यूज़ करता है UI डिज़ाइन के लिए. लेकिन उनका कोई, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो वो ज़्यादा UI में है भी नहीं, लेकिन उनके जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको UI आता है. उनके मेरे ख्याल से कोर्स के अंदर भी UI डिज़ाइनिंग का एक छोटा सा वो है, क्या कहते हैं, उसमें इंक्लूजन है थोड़ी सी, जिसके अंदर वो आपको वेब डिज़ाइन वगैरह सिखाते हैं. तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं, साइजेस, रेजोल्यूशन, पिक्सल्स पर इंच, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो से उसमें थी हमारे पास मौजूद इलस्ट्रेटर के अंदर. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ बनानी है. तो हमें बनाना है ये पोस्टर, जिससे हम काफ़ी सारे इसके इंपॉर्टेंट टूल्स को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह. तो ये पोस्टर हम बनाएंगे, और अभी हम लोग जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर किया था वही सेम हम लोग एक फाइल बनाकर डायरेक्ट इंटरफेस पर आ जाते हैं. इंटरफेस वही है, मेन्यू बार, टाइटल बार, ये अपने शॉर्टकट्स हैं, ये पैनल्स हैं, ये टूल बार रहा यहाँ पर. ठीक है, तो ज़्यादा लंबा कोशिश करते हैं कि इस वाले पार्ट को नहीं खींचो, तो मैं डायरेक्ट टूल्स पर आ जाता हूँ. सबसे नीचे से शुरू करते हैं हम, ये आपके पास वही स्वाप करने के लिए कलर्स को, ये जूम टूल हो गया आपके पास, वही कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस हैंड टूल, आपको वही जैसे उसमें स्पेस प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं विद इन द फाइल इन मल्टीपल आर्टबोर्ड्स. अब मल्टीपल आर्टबोर्ड से मेरा क्या मुराद है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका एक आर्टबोर्ड है, आपको दूसरा आर्टबोर्ड बनाना है तो ऊपर आपके पास है मूव टूल.
अब ये बात है कि जो आपके पास ये होता है मौजूद अपना फोटोशॉप, उसके अंदर आपके पास मूव सेलेक्शन टूल नहीं होता, मूव टूल होता है। तो मूव टूल को अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे आपके पास आएगा आर्टबोर्ड टूल। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें, आपने क्या किया, आपने नॉर्मल जैसा आप एक नहीं बॉक्स बनाते हैं, शेप बनाते हैं, वैसे आपने बनाया एक आर्ट बोर्ड। ठीक है जी, ये जो आपका आर्ट बोर्ड बन चुका है इसको आपको करना है, ये प्लस तो दूसरा आर्ट बोर्ड आ गया। ठीक है, और अगर आप नहीं दूसरा आर्ट बोर्ड ऊपर चाहते हैं तो ये आ गया आर्ट बोर्ड वगैरह। तो ये आपके आर्ट बोर्ड्स ऐसे बनते हैं इधर। और आपका जो हैंड टूल, अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करके आएंगे, तो आप इनको ऐसे आर्ट बोर्ड टूल्स को मतलब आप इनके बीच में नेविगेशन अपनी कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं एक आर्ट बोर्ड को अगर कंट्रोल वन प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट उस आर्ट बोर्ड के पास जूम इन करके आ जाएगा। अब अगर आपको अंडू और रीडू करना है तो अंडू के लिए जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर कंट्रोल जेड किया था तो वैसे ही इसके अंदर आप कंट्रोल जेड करते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो आप एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये एक बार वापस आएगा और अब इससे पीछे नहीं जा रहा, ये रीडू हो रहा है। तो जो फोटोशॉप है उसके अंदर है ये ऐसे कि आप अगर अंडू करना चाहते हैं तो ये जो अंडू होगा वो एक ही स्टेप पीछे जाता है। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर की तरह पीछे जाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करें तो आप ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करें। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस किया। ठीक है जी, ये आपका वर्जन है। आप वापस कंट्रोल जेड करते रहेंगे तो आप फुल पीछे आ गए अपने इनिशियल जो हमारे पास पहले पहले था। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया हैंड टूल तक, ऊपर हमने मूव और सिलेक्शन वो कर लिया, मूव टूल और आउटपुट टूल। ये यहाँ से ये प्रेस एंड होल्ड करें, ये जो हैं इन सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। अब जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो उनका जो पर्पस है फोटोशॉप के अंदर डिफरेंट है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि इमेज में से आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको पहले सेलेक्ट करके उसको दूसरे एक लेयर पर लेकर आना होता है। ठीक है जी, तो मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी इमेज से एब्स्ट्रैक्ट करना है तो आप ये सिलेक्शन टूल्स यूज़ करते हैं। इनके ऊपर हम जाएंगे जब हम ये पोस्टर बनाएंगे, ये पोस्टर जब हम बनाएंगे तो हम ये टूल्स कवर करेंगे। अब ऐसे है कि मैंने अभी एक लफ्ज़ लिया लेयर, तो लेयर क्या होता है, तो लेयर जो है वो लेयर्स का पैनल ये रहा। इलस्ट्रेटर के अंदर भी लेयर्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए होते हैं और आप उनको मूव उनको आप अरेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। तो जो आप हमारे पास फोटोशॉप है उसके अंदर लेयर्स पे सारा काम होता है। इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे मजबूत मतलब आपको फोर्स नहीं करता कि लेयर्स पर ही काम करें, लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपको लेयर्स पर ही काम करना पड़ता है। दिस मीन्स दैट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट दैट यू मेक इन फोटोशॉप इज़ बेस्ड ऑन अ लेयर। तो ये जैसे देखा आप बैकग्राउंड आपका ऐसे पहले से ही बना बनाया हुआ लेयर आता है एक, जो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको देता है फोटोशॉप के अंदर, वो आपका लेयर आता है। उसके पास अब जैसे आएंगे तो ये ऑप्शन देखा आप इनएक्टिव हैं और आपके पास ये दो ऑप्शन एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन है इसको मतलब है विजिबल और अनविजिबल। अब ये विजिबल है, उसको आप जैसे एक प्रेस करेंगे तो अनविजिबल हो जाएगा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा अनविजिबल, इसलिए क्योंकि ये जो ऑप्शन है इधर लॉक वाला, इसका मतलब जब ये जब आइकॉन है इधर, मतलब ये लेयर लॉक है और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कि ताकि ये आप खामा खा की मूवमेंट इस पर नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे अनलॉक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाय द वे डायलॉग बॉक्स मैंने अभी जो आया वो मैंने हटा दिया, लेकिन ये डायलॉग बॉक्स यूजली आपका ये कह रहा है अभी कि आपका जो ये लेयर है ये अभी आपका लेयर है, आप इसको नहीं मूव कर सकते। अगर आप चाहते हैं आप इसको मूव करें तो आप इसे एक नॉर्मल लेयर पर बनाएं, तो आप उसको नॉर्मल लेयर बना सकते हैं वहीं से क्लिक करके लेके आओ। तो आप इधर आके अनलॉक करें और ये आपका नॉर्मल लेयर बन चुका है, मतलब अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें भी एक्टिव हो गई। अब ओपेसिटी हम देख लेते हैं, वही है आपके जैसे उसके अंदर थी इलस्ट्रेटर के अंदर ओपेसिटी चेंज करना। अभी देखें ये ओपेसिटी हटा रहा हूँ तो मैं ये क्यों पीछे जाके ये ट्रांसपेरेंसी वाला एक क्यों दे रहा है बैकग्राउंड, तो वो इसीलिए है क्योंकि इसके नीचे जो मतलब इसके पीछे इस लेयर के पीछे जो चीज़ है वो है आपकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंसी है। मतलब पीछे एक ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है पीछे, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी दिखा रहा है। इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको ओपेक करेंगे या ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उसके आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको नीचे नज़र आएगा। ये ज़्यादा आपको मैं अभी कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा इनके साथ, बस ये है कि ये लॉक कर लेते हैं तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको अनलॉक करेंगे इधर आके यूँ तो आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव किया, ये ऑप्शन था, मैंने कहा विजिबल विजिबल आ रहा, तो जैसा आप ये प्रेस करेंगे इनविजिबल हो गया, मतलब लेयर प्रेजेंट है लेकिन इट्स अनविजिबल, ये लेयर प्रेजेंट है अब विजिबल हो गया। लॉक करते हैं,
वापस, क्योंकि हम जो एक लेयर जो इनिशियल आता है ना उसको मैं तो हमेशा लॉक करके रखता हूँ ताकि वो इंटरफेयर नहीं करे, मैं अगर मूव करना चाहूँ तो ये मेरा बेसिकली एक बैकग्राउंड की तरह मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे यूँ हटा के अंदर आके इसको नाम दे सकते हैं बैकग्राउंड, और अब ये हमारा बैकग्राउंड की तरह सर्व करेगा। जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर के ऊपर एक वाइट आउटपुट आता था तो उसके साथ एक वाइट बैकग्राउंड होता था, उसी की तरह मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अब लेयर्स क्लियर हो गए हमें, अब इधर शेप टूल आ गया, जैसे उसके अंदर था इलस्ट्रेटर के अंदर लाइन टूल भी इधर ही मौजूद है, आपने यूल बना दिया। अब जब इलस्ट्रेटर था उसके अंदर आप जैसे बना रहे थे तो ये ऐसे मिडल से नहीं बन रहा था, वो कॉर्नर से बन रहा था। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसे बनता है, क्या कहते हैं, मिडल से। तो अगर आप चाहते हैं इसको आप एक कॉर्नर से बनाए तो ऑल्ट प्रेस कर लीजिए, कॉर्नर से बनेगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सारे साइड जो होंगे इस ऑब्जेक्ट के वो सबकी लेंथ सेम होगी। अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट करेंगे तो ये कॉर्नर से बना और सारे साइड जो हैं इसके सेम है लेंथ में। क्या किया मैंने, क्लिक किया हुआ है मैंने एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ऑल्ट प्रेस किया हुआ है शिफ्ट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड सॉरी, ये आ गया इधर, ऑल्ट प्रेस किया शिफ्ट प्रेस किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसके ऊपर कलर जो सो आएगा अभी तो इसका कलर देखेंगे, आप गुम हो गया, आपको पता ही नहीं कहाँ है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर से काफ़ी डिफरेंट है इस बातों में, इन बातों में कि देखा आपको कुछ दिख नहीं रहा, आप कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, आपने यू किया तो सेलेक्ट हो गया लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि सेलेक्ट है। तो ये लेयर्स पैनल ये देखिए सेलेक्ट हुआ हुआ है लेकिन फिर वक्त आपको नहीं दिख रहा और आप ऐसे भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप बस इधर जाएँ लेयर्स पैनल के अंदर, आपने अभी रेक्टेंगल बनाया था उसको इसे क्लिक करें, सेलेक्ट हो गया है। इसको आपको कलर चेंज करना है तो इधर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ, ये कलर हो गया, इधर मैंने कलर दे दिया ऐसे ये कलर, ठीक है जी। अब आपको इसको रिसाइज करना है तो याद रखें कंट्रोल टी प्रेस करें, आप उसको रिसाइज कर सकते हैं अब, ठीक है। वैसे नॉर्मली रिसाइज नहीं होता, उसको आपको कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता है, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए आप इसको ये प्रेस करें। अब आपने इसको इधर कैंसिल का ऑप्शन है और इधर डन का ऑप्शन है, कैंसिल प्रेस करेंगे तो ये वही शेप आ गया, डन प्रेस करेंगे तो आपका जो रिसाइज है वो हो जाएगा रिसाइज। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे उसके अंदर मौजूद था हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर, जैसे देखें आपको इधर वीडियो में भी दिखा रहा है, आप क्या कर सकते हैं से इलस्ट्रेटर के अंदर एंकर्स को आप एंकर पॉइंट्स को टच करके आप मूव कर रहे थे तो इसके अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे, आपने ये क्लिक किया सेलेक्ट हो गया, आपने इधर आके यू क्लिक किया आपका ये सेलेक्ट हो गया, अब आप इसको यू सेलेक्ट करके मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो गया। लेकिन अब इधर ये ऑप्शन दे रहा है कि द ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ, तो आप इसको येस कर लें, ठीक है, और आप इसको अब चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको डबल क्लिक करें, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, बस ये आप इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। इसकी पोजिशनिंग हैंडल्स देखें इसमें नहीं है मौजूद अभी, ठीक है जी, तो एंगल्स मौजूद नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको एंगल्स आप लेकर आ सकते हैं इसमें, एंगल्स एज जो हैंडल्स थे इलस्ट्रेटर के अंदर वैसे आप ला सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए हम विल कीप द वीडियो शॉर्ट और हम इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यू कैन ऑलवेज यू नो एक्सप्लोर द सॉफ्टवेयर योर सेल्फ ऑल्सो, बट वी हैव टू गिव यू समवेयर टू स्टार्ट एन इनिशियल ओवरव्यू ऑफ द इंटरफेस, एंड एज आई सेड बिफोर इन द प्रीवियस पार्ट कि वी हैव टू मेक यू फेमिलियर विद द इंटरफेस, सो वी डूइंग दैट हियर। तो ये आ गया शेप, आपने चेंज हो गया यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कुछ टूल्स हमने भी नहीं से देखे। ये आई ड्रॉपर टूल वही सेम चीज़ है जो हमारे पास इलस्ट्रेटर में थी, जो हमने एक्स्ट्रा टूल्स नहीं देखे हुए उसमें से टूल्स, तो कुछ टूल्स हमने मिस किए हुए तो उन टूल्स में से हम लोग एक दो और टूल्स देख लेते हैं। जैसे ये टूल आ गया ब्लर टूल वगैरह, जिससे आप अपने इमेज के पीछे बैकग्राउंड्स को ब्लर कर सकते हैं वगैरह, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दो और मैं अभी कवर कर लेता हूँ ताकि हम जल्दी से पोस्टर की तरफ बढ़ें। एक एंकर टूल जिससे आप पेन टूल जैसे हमारे पास था इलस्ट्रेटर के अंदर कि आप एक कस्टम शेप बना सकते हैं, देखिए इसका हैंडल आ गया इधर, अगर आपने देखें आपने इधर प्रेस किया, एक सेकंड में इस टूल उसको हटा ही देता हूँ इधर से ताकि मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ। ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया पेन टूल, आपने ए पॉइंट क्लिक किया, यार व्हाई डस दिस इवन हैपन टू मी, ओह दिस इज प्रोग्राम एरर, व्हाई इज दिस इवन हैपनिंग। हाँ जी, प्रोग्राम एरर हट गया और अब हम आ जाते हैं इस पेन टूल के पास। ये आपने सेलेक्ट किया इधर, आपने इधर वापस इसको दूसरा क्लिक किया तो आपका ये एक नया शेप बना, लेकिन इफ़ यू क्लिक अ न्यू न्यू शेप है इसको आपने न्यू पॉइंट आया इसको आपने होल्ड किया हुआ है तो फिर आप इसको यूं करके घुमा के इसके हैंडल्स आ गए हैं, इन हैंड हैंडल आ गया, इसको आप ऐसे मूव वगैरह करके इसको एक कर्वी किस्म का लुक दे के कोई भी शेप बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ पेन टूल इज, दिस इज़ हाउ पेन टूल इज़ यूज। अब टेक्स्ट टूल इलस्ट्रेटर की तरह आपने कुछ लिखा, कलर नहीं दिख रहा, ऊपर ये रहा कलर, आपने चेंज किया कलर,
अभी भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया, कलर चेंज किया, ये कलर आ गया। अब देखें तो मैंने जैसे मूव टूल को क्लिक किया और मैं वापस इसके पास आया, मैं जितना भी बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा अभी आपके पास, इसके ऊपर कोई आप टेक्स्ट को एडिट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो ये है कि आपको इधर आके वापस टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपने इसे डबल क्लिक किया तो फिर आप आराम से इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट टूल कवर कर लिया, टेक्स्ट की सारी चीज़ें, फॉन्ट साइज़ ये रही, फॉन्ट और फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इधर। इसका ये मतलब है कि आप इसको टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का वेट को क्रिस्प वगैरह थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से फ़र्क होते हैं इनमें। नॉट गोइंग टू द डिटेल एंड जस्ट गोइंग राइट इन टू द पोस्टर डिज़ाइन टू कीप इट शॉर्ट। तो अब चलते हैं इस पोस्टर की तरफ, इसको बनाते हैं अब हम फोटोशॉप के अंदर। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं पोस्टर डिज़ाइन पर। अब ये है कि आप लोग शायद समझ रहे हो कि कुछ कुछ आपने ऐसे सिलेक्शन टूल्स और कुछ ऐसे दो तीन टूल्स जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे मैं कवर करूंगा, मैंने नहीं किए। तो डोंट वरी, हम लोग अभी सिलेक्शन टूल्स को कवर करेंगे। और सिलेक्शन टूल्स जो फोटोशॉप के अंदर है उनके अंदर ये फ़र्क होता है कि वो जो इलस्ट्रेटर से काफ़ी अलग होते हैं, देर एक्चुअली यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है फुल, उसमें से मैं इस बंदी को लेकर आया हूँ, एक्सट्रैक्ट किया है मैंने, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, और ये बात है कि मैं अगर कुछ और चीज़ें अभी मिस हुई हैं अगर आपको महसूस होता है तो डू नॉट वरी, वी ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन। और तो द रीज़न वाई आई एम ट्राइंग टू कीप दिस शॉर्ट इज के लॉट ऑफ व्यूअर्स डोंट लाइक स्ट्रेच्ड आउट लॉन्ग वीडियोज़, क्योंकि उनका पर ध्यान चला जाता है। तो आई वॉन्ट दिस टू बी एज शॉर्ट एंड एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल। तो इसी बात विद दिस बीइंग सेड, तो हम आ जाते हैं पोस्टर पर। इस पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आई नीड दिस वुमेन। तो इस वुमेन को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी, देखिए मेरे इधर रिसेंटली यूज्ड में है, मैंने इधर क्लिक किया। अगर आपके पास कोई इमेज डाउनलोडेड है तो आप फाइल में जाके इधर से ओपन कर सकते हैं उसको। ओपन करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है, आप सेलेक्ट करके किसी इमेज को लेकर आ सकते हैं इसके अंदर। अगर नहीं तो आप इमेज पर राइट क्लिक करके और फिर कर लें ओपन विथ फोटोशॉप, आपके पास इमेज आ गया। अब मुझे इस बंदी को सेलेक्ट करके यहाँ से निकालना है। ये आपके सिलेक्शन टूल्स हैं, ये बड़े बेहतरीन टूल्स हैं इनको सेलेक्शन यूज़ करने के लिए। सबके अपने तरीके होते हैं कि वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट करें। मेरा जो तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर ऊपर सेलेक्ट के पास जाता हूँ, मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड मास्क। अब ये आपके पास पूरा ही लेआउट काइंड ऑफ चेंज हो गया है, घबराए नहीं, ये सारे टूल्स जो हैं सेलेक्शन के हैं इधर। ठीक है जी, और क्या कहते हैं बाकी जो हैं अपने इधर जो ऑप्शंस वो आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंट वाला ऐसे आ रहा है या आपके पास कुछ और आ रहा है तो आपको बताता हूँ। अब यहाँ से व्यू में आके क्लिक करें, अब चेंज करें। इनिशियली मेरे ख्याल से ऑनियन स्किन आता है, ऑनियन स्किन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है अभी कि आपके पास ये सारी चीज़ हो रही है, ट्रांसपेरेंसी में दिखा रहा है। आपको सेलेक्टेड चीज़ जो है आपको कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए अब आपके पास ये टूल सेलेक्टेड है आपके पास इधर, आप क्या करें सिंपली यहाँ से क्लिक करके ऐसे करके मैंने एक सेलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ ये वो चीज़ें सेलेक्ट होती जा रही हैं और इस इमेज के अंदर आ रही हैं यूज़ में। देखें व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्लिकिंग एंड आई एम ड्रैगिंग। ठीक है, क्लिक और ड्रैग करने से वो सारी चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ वो आ रही है, सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये देखें तो अब ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो इसके कपड़ों से हट गई है, लेकिन ये देखें इधर जैसे ट्रांसपेरेंसी अभी मौजूद है। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैंने इधर एक ऐसे शेप बना दिया जिससे क्या हुआ इसकी ट्रांसपेरेंसी हट गई। इधर भी मैंने ऐसे लाइन बना के एक शेप किया तो इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी हटाते हैं हम लोग, ये हो गया सेलेक्ट। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट सेलेक्शन टू मेक द राइट सेलेक्शन के वो ट्रांसपेरेंसी से हट जाए। अब ये देखें इसके हाथ हैं, जैसे मैंने ये बनाया इधर एक सेलेक्शन का, ऐसे बना देते हैं इधर से। ठीक है, ये हट गया, मतलब ये अब सेलेक्शन में आ चुका है, आपके पास ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका दूसरा हाथ जो है वो अभी तक ट्रांसपेरेंट है। तो कंट्रोल जूम इन किया हमने, देखिए अब आपको दिख रहा होगा इसकी जो मैंने सेलेक्शन की हुई है यूँ। ठीक है जी, देखें अब ये इसका हट गया ट्रांसपेरेंसी से। इसका चेहरा यहाँ से जो जो है इसको हम हटा देते हैं,
जितनी अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं आप करें, तो आपके आराम से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, अब आप देखें क्या चीज़ रहती है इसकी सिलेक्शन में। ऐसी अच्छी खासी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। सिलेक्शन में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है वैसे, कि आपको थोड़ा जूम इन करके रीचेक करना पड़ता है कि चीज़ें सही से की हुई हैं नहीं की हुई। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो ये अच्छा खासा हो गया है। अब व्यू में आके आप थोड़ा सा रिकन्फर्म करने के लिए ओवरले में आ जाएं, तो ये देखें आपकी कितना ये अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो चुका, एक्सट्रैक्ट तरीके एक तरीके से जो आपकी सिलेक्शन बनी है वो सिलेक्शन ये है। इस सिलेक्शन को और ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं इस चीज़ को जैसे है, तो आप कर सकते हैं इधर बना के सारा चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अभी करता हूँ ठीक, आपको एक दूसरा सिलेक्शन टूल दिखा के वो, क्योंकि फिर आपको मैंने जैसे पहले कहा जितनी कोशिश करेंगे हम जितने टूल्स कवर कर सकें, इसलिए हम इसमें उसको यूज़ करने के बाद फिर एक दूसरा सिलेक्शन टूल, बेसिकली दिस इज सेलेक्टर मास्क करी पूरी विंडो है, एक सिलेक्शन टूल को यूज़ करके भी आप ये कर सकते हैं। तो उन टूल्स पर भी मैं आता हूँ अभी। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट मास्क किया, मुझे ये क्यों पसंद है इसलिए क्योंकि अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको जूम इन करें और आप इधर आके अगर देखें तो ये देखें इसका जो ये पार्ट है ये कैसे कैसे ये बराबर बराबर में देखें इसकी ब्लर होती जा रही है इसके ऐसे। इसको मैं ठीक कैसे करूँगा, तो सबसे पहले तो इधर आ जाएं आप, ये आपके पास इन चीज़ों को सबको छोड़ के आप इधर स्मूथ पर आ जाएं। स्मूथ क्या करेगा, आपकी सिलेक्शन को स्मूथ करेगा। ये देखें स्मूथ आपकी हो गई सिलेक्शन, मैं इसको लेकर आ जाता हूँ 50 पर। ठीक है, 50 पर सिलेक्शन लेके आया, इसकी स्मूथनेस बढ़ेगी। देखिए स्मूथ हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जिससे थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है ज़्यादा। फैदर को छोड़ दें, वो आपको क्या करेगा ये चीज़ को और ऐसे थोड़ा सा ब्लर टाइप कर लेता है। ये देखें अजीब सा फैदरी लुक है आस पास, आगे पीछे आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। कॉन्ट्रास्ट जो आपका कलर जो ये बैकग्राउंड ये कलर है अभी ब्लैक, और इसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरे कलर्स हैं उनको ये सिलेक्शन है जो उसको इस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अच्छा, मतलब एक देखें क्रिस्प तरीके से सिलेक्शन हो गई आपकी। अब 50 किया मैंने ऐसे, आई जस्ट लाइक द वर द नंबर 50, तो ये हो गया सेलेक्ट अच्छा खासा। अब आपके पास इधर ऑप्शन आता है कि आउटपुट हम कहाँ पर ले आए, एक न्यू लेयर पे बनाएं या हम एक उसी उसी लेयर दूसरी डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल बना के बनाएं, या उसी लेयर पर एक लेयर मास्क आता है उस पर। फॉर नाउ कीप इट टू लेयर, न्यू लेयर, न्यू लेयर पर आके उसको आप ओके कर लें। और ये देखें तो आपके पास आपका पुराना ये रहा लेयर और आपका ये नया बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ आपका आ गया ये बंदी। अगर मैं इसको लेकर आता हूँ ऐसे, देखें विजिबल अनविजिबल, तो ये देखें ये आपके ओरिजिनल इमेज था, आपने अनविजिबल किया, ये आपकी वो इमेज है जो कि अभी आपने बनाई है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको भले हटा दें यहाँ से। ये रहा आपका इमेज, क्रॉप टूल यूज़ करते हैं अभी। उससे पहले ये देखें जो मैंने आपको अभी कहा था कि इसका ये जो सिलेक्शन है नहीं हुई हुई, तो आप उधर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक और सिलेक्शन टूल है सबसे बेहतरीन सिलेक्शन टूल है मेरे ख्याल से, तो मेरे नज़दीक वो मैजिक वॉन्ड टूल, इसको बस क्लिक करें इधर आके क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन को इंटेलिजेंट तरीके से बना देता है। बैक स्पेस क्लिक करें, बूम खत्म। आप सारी सिलेक्शन या तो सेलेक्ट मास्क को छोड़ के मैजिक वॉन्ड टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन क्या प्रेफर क्या करें आप। पहले ये सिलेक्शन बना के मैजिक वॉन्ड टूल से फिर जाके सेलेक्ट मास्क में अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करें, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट सेलेक्टर मास्टर टूल में जाके सिलेक्शन की। अब ऐसे है कि ये जो आपके पास ये अभी तक देखें सिलेक्शन है मौजूद, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन जा नहीं रही। इसके लिए आप सेलेक्ट में जाएं और इधर डिससेलेक्ट इसको क्लिक कर लें। ये हो गया आपका बंदी एक्सट्रैक्ट हो गई इमेज से। ठीक है जी, अब जब आप इसको यूज़ करने करना चाहते हैं दूसरी फाइल के अंदर, तो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर आके इसको क्रॉप कर लेता हूँ इस इमेज को, कि वो जितना कम हो सके ना, देखें उतनी स्पेस में कम हो जाए। इसका बैकग्राउंड है ही ट्रांसपेरेंट, सो डू नॉट वरी, वोंट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओ एनी इसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं आएगा, सॉरी। तो ये हो गया आपका इमेज, इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज करके, मैं सेव कर लूँगा और देन आई कैन यूज़ इट। मेरे पास पहले से सेव किया हुआ है, तो आई वोंट विल नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, हाँ अब हम बढ़ते हैं अपने पोस्टर के पास। आपने एक्सट्रैक्ट कर ली और अब हमें इस बंदी को लेकर आना है ऐसे बैकग्राउंड के पास। ठीक है, तो अब न्यू फाइल क्रिएट की मैंने,
और इस न्यू फाइल को क्रिएट कर कर मैं क्या करता हूँ, ये मेरी सेटिंग्स की हुई है। एक मैंने 1080x1350 का पहले से ही साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इधर बनाया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है जी, अब मैं इसके पास लेकर आता हूँ इमेज। तो इमेज को लेकर आने के लिए ये मेरे पास मौजूद है इमेज, मैंने सेव किया हुआ है, इस इमेज को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये इमेज हमारे पास आ गया है, इसको मैं यहाँ पे डन का प्रेस करूँगा, इमेज आ गया हमारे पास। अब इस इमेज को मैं प्लेस कर लेता हूँ इधर नीचे यूँ करके। अब मुझे करना है इसको इस बैकग्राउंड के साथ अलाइन, जैसे हमने अभी सीखा है हम उसको वैसे ही अलाइन कर लेते हैं। देखें, हॉरिजॉन्टली मैंने बीच में अलाइन किया इसको, और वर्टिकली मैं इसको बीच में से नहीं बल्कि इसको मैं बॉटम पे अलाइन कर रहा हूँ। ये हो गई हमारे पास बंदी, आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ बंदी को सेलेक्ट करके, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ ताकि दूसरे टेक्स्ट की स्पेस हमारे पास आ जाए। इसको हमने किया छोटा, ठीक है, इधर हमने सेलेक्ट किया इसको नीचे बीच में, और हमारे पास ये हो गया अलाइन। इसको अलाइन करने के बाद हमारे पास जैसे इस पोस्टर के अंदर एक ये सर्कल दिया हुआ है, तो इस सर्कल को हम बनाएंगे। इस सर्कल को बनाने के लिए शेप टूल आ गया हमारे पास, ये रहा, ये बना दिया हमने सर्कल। ठीक है, कलर देना है इसको, कलर दे दिया हमने। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को। अब जैसे उस इमेज के अंदर क्या था, उस पोस्टर के अंदर ये देखें तो ये सर्कल जो है इसके पीछे है, तो सर्कल इसको पीछे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इधर लेयर्स टूल में आके इसको ही नीचे कर लिया हमने, ये आ गया नीचे। अब इसको हम घुमा के ऐसे थोड़ा सा देखें इसमें कैसे है इसकी प्लेसमेंट, तो उसकी वही प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं हम, तकरीबन वही है, ये रही उसकी वो प्लेसमेंट। इसको मैं लेयर के साथ, इस वाले लेयर नीचे लेयर के साथ अलाइन करूँगा कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है, इसको छोड़ देंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड है ये, इसका हम कलर कैसे चेंज करें, देखें अगर प्रॉपर्टीज़ में नहीं आ रहा तो आप इस पर डबल क्लिक करें, आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इन सब को छोड़ें, डायरेक्ट जाएं कलर ओवरले में। कलर ओवरले में जाएंगे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर सेलेक्ट किया, और देखें मुझे जो एक चीज़ फोटोशॉप की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके पास जैसे ही कलर ओवरले का ऑप्शन आता है तो आप कलर को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, आपको आई ड्रॉपर टूल के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेता है। तो मैंने इसको दिया ये कलर। ठीक है जी, कलर को चेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको लाइट देने के लिए, नॉट एग्जैक्टली द सेम कलर जो मैंने उसमें यूज़ किया, लेकिन फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू दिस, स्टिक विद दिस कलर। ठीक है जी, आता तो पोस्टर इधर ही कंप्लीट हो गया, बाकी हमें ऐड करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, न्यू अराइवल, ठीक है जी। अब इस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग आ जाएंगे टेक्स्ट टूल में। हमने इधर टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया और हमने लिखा इधर, इसमें लिखा था शायद टोमेटो क्लोजिंग। अब मुझे ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करके साइज छोटी कर लूँगा और इसका कलर पिक कर लूँगा इधर से, ये हो गया टोमेटो क्लोथिंग जैसे हमने उसमें लिखा था, इसको आके ऊपर आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट की प्रेस करते हुए डाउन एरो 10 पॉइंट्स नीचे आया, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर था 20 पॉइंट्स आ गया, 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स मैंने ऊपर से किया, राइट साइड से मैंने 30 पॉइंट किया, ये हो गया हमारे प्लेसमेंट एक इमेज की। इमेज को टेक्स्ट की, टेक्स्ट को मैं थोड़ा और छोटा करना चाहता हूँ तो मैं और छोटा कर लेता हूँ उसको, 10 पॉइंट्स पर लेकर आ जाता हूँ मैं, ये हो गया। अब इसके पास दूसरा हमारा टेक्स्ट एडिशन की भी वो ये रही। इन टेक्स्ट एडिशंस करने के लिए हम अभी फिल वक्त के लिए तो हम कुछ भी लिख लेते हैं, डजंट मैटर नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे करना है। तो ये आ गया, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने डायरेक्टली इसको चेंज करने के लिए, इसकी साइज़ छोटी कर दी मैंने, ये रहा, ये देखें स्नैप होता है खुद ही एक, आपको एक गाइड टाइप दे रहा है कि कैसे ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो सकते हैं। अलाइन किया उसके अंदर जैसे स्टैक्स के साथ इधर एक ये शेप बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग इधर आ जाते हैं, रेक्टेंगल टूल है, इसको यूँ किया हमने, ऑल्ट की प्रेस की ताकि ऊपर से आए, ये आ गया यूँ, कलर सेलेक्ट किया इधर से, ये रहा, यही कलर सेलेक्ट किया, इसकी विथ में कम करना चाहता हूँ तो इधर आ गया हम साइड पे, विथ का ऑप्शन है, इसको मैं कर लेता हूँ 8, थोड़ी सी पतली विथ हो गई। अब मैं इसको लेकर इधर आ जाता हूँ,
ठीक है जी, जैसे हमने ऊपर किया था 30 पॉइंट्स, इसको मैं 30 पॉइंट्स देके इधर आ गया। एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट ऐड करना है इन दोनों को सेलेक्ट, अभी देखें मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं सारा चीज़ हिल रही है, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं कहता हूँ कि जो ये हमारा प्राइमरी लेयर है इसको मैं हमेशा लॉक करता हूँ। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ ईजिली, तो इस सेलेक्ट हो गया। लेकिन आप देखें तो इधर लेयर्स मैंने देखें डिटैच भी सेलेक्ट हो गया, ये जो बनती है इसका मैंने नाम रखा था फाइल को सेव करके डिटैच, इसको मैं नहीं सेलेक्ट करना चाहता, तो मैं डायरेक्टली इधर आके इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। फिर से ये सेलेक्ट हो गई, क्यों? अब देखें जो इसका बाउंड्री थी ना इसकी, देखें अगर मैं तो सिर्फ इसको ऐसे डिटैच को क्लिक करूँ और कंट्रोल टी प्रेस करूँ, तो देखें इसकी बाउंड्री जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इसके साथ, इसलिए ये भी सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कोई मसला नहीं, आप इधर लेयर्स पर आके ये जो टेक्स्ट लेयर था और इस टेक्स्ट लेयर को हमने दोनों को सेलेक्ट किया, और क्या कर गया है हमने, क्या करना है हमने कि इसको हमें ऊपर लेकर आना है, तो इसको हम ऊपर लेकर आए इधर, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको हम, अच्छा अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ना, तो देखें ये लेयर्स के अंदर ये कॉपी हो गए हैं, इन सबको मैं ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट की और डाउन प्रेस करके मैं इनको कॉपी करके नीचे लेकर आया हूँ, ठीक है। सॉरी ऑल्ट की नहीं थी, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं इनको नीचे लेकर आया हूँ। कॉपी मैंने कैसे किया, मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और ये कॉपी हो गया, ये टेक्स्ट आ गया। अब इस सारे को मैं यहाँ से, ये जो टेक्स्ट है मैंने शिफ्ट प्रेस किया यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ये लेयर्स ग्रुप हो जाएंगे, और ये जैसे रेक्टेंगल मौजूद है यहाँ पर, तो इसको भी मैं इसको ऐसे लेके इसके अंदर लेकर आ जाता हूँ। बस उसके ऊपर आके सेलेक्ट करके आपको ग्रुप के ऊपर ऐड करना है, तो ये हो गए सारे एक दूसरे के साथ सेलेक्ट। देखें ये एक सेलेक्शन बन गई, इसी को मैं लेके इधर आता हूँ ताकि मैं इधर भी टेक्स्ट जैसे उस इमेज के अंदर ऐसे इधर ऐड किया हुआ है, उसको ऐड करने के लिए मैं इसको इधर लेकर आया हूँ। थोड़ी सी इसकी साइज़ में डिफरेंस लेकर आते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है हमें कि इसकी जो देखें अलाइनमेंट और सारी इसकी जो चीज़ें थोड़ी अलग हैं, ये जैसे ये राइट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको हम करते हैं अनग्रुप। इन सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, और इधर आता हूँ मैं पैराग्राफ के अंदर, मैंने ये प्रेस किया, सबकी अलाइनमेंट चेंज हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वापस शिफ्ट किया, ये सारी चीज़ें कॉपी हो गई, ये यहाँ पे लेकर आया मैं। अब देखें तो थोड़ा अजीब ये है कि इनकी सिलेक्शन, अब आप अभी भी कहेंगे काफ़ी अलग सी है, तो आप क्या करें इन सबको ऐसे सेलेक्ट करें, एलिप्स सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये रहा, तो आई सजेस्ट कि आप इधर ही लेयर्स पैनल से ही सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके उसके बाद आप आ जाएं इधर अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टली इन सबको आप अलाइन करेंगे एक साथ यूं इधर राइट, तो ये अलाइन हो गए आपके पास, वापस ग्रुप किया आपने, या आपके पास स्क्वायर जो आपके पास अभी लाइन की तरह हमने स्क्वायर बनाया, ये आ गया इधर, हमने इन सबको साथ अलाइन किया। अब इन सबको आप सेलेक्ट करेंगे, तो इस रेक्टेंगल को जैसे हमने पहले किया क्लिक करके ग्रुप टू के ऊपर लेकर आया मैं, हो गया ग्रुप, ये आ गया इधर, ठीक है जी। नाउ दिस इज द पोस्टर दैट वी हैड टू डिज़ाइन, एंड वी डिज़ाइंड अलाइनमेंट्स अ लिटिल बिट आउट एंड ऑल ऑफ दैट, बट इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है खुद ही कि आपको कैसी कैसे हर चीज़ को, जैसे मैंने पिछली मेरे ख्याल से वर्कशॉप में, अगर पार्ट में कहा था वर्कशॉप की, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बॉर्डर्स की रेशियो में, और माना बॉर्डर्स और कंटेंट की स्पेसिंग वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू हैव टू लर्न एज अ डिज़ाइनर, द अलाइनमेंट, द कलर चूजिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स नॉट जस्ट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, एंड यू डू नॉट बिकम अ डिज़ाइनर इफ़ यू नो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, यू बिकम अ डिज़ाइनर वैन यू नो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट। सो अब वो जो कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हैं वो तो डिस्कस नहीं कर रहे, वर्कशॉप का वो मुद्दा नहीं है, जो था वो आपको ये था कि आपको एक इंटरफेस का ओवरव्यू दें और आपको थोड़ा सा कुछ बना के सिखाएं ताकि आप लोग समझ जाएं कि कैसे बनेगा, तो वैसे ही हमने किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा खासा अब इंटरफेस समझ में आ ही गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। बिफोर आई एंड दिस होल वर्कशॉप विद दिस थर्ड पार्ट, मैं आपको बस ये कहूँगा कि इस थर्ड पार्ट के साथ भी आपके पास एक टास्क है कि आपको एक पोस्टर बनाना है एंड में। अभी देखिए क्लोथिंग स्टोर के एक पोस्टर हमने बनाया है, तो वैसे ही आप लोगों को सबको एक क्लोथिंग स्टोर का पोस्टर बना के फिर आपको सबमिट करना है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारा हो गया आपका ये पार्ट 3 कंप्लीट।
उम्मीद आप लोगों को कुछ नया समझ में आया, उम्मीद आपको समझ में आया और मतलब कुछ नया, और आई होप दिस हेल्प्ड विद एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड. आई होप दैट आई गेट अ गुड फीडबैक एंड आई एंड इफ इन इवन इफ यू हैव बैड फीडबैक और स्टफ टू से, फील फ्री टू कॉमेंट एंड टेल अस हाउ यू फील. इट डजेंट मैटर इफ इट्स बैड, बिकॉज हमें मालूम पड़ेगा कि बेसिकली मुझे पता चलेगा कि वेयर आई वेंट रॉन्ग इन दिस ट्यूटोरियल. आई होप यू लाइक इट, बट इफ इवन इफ यू डोंट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एंड टेल मी हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस, एंड एज अडल्ट विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन मैनेज स्टफ. ठीक है जी, एंड इम्प्रूव. खैर, तो एंडिंग दिस नाउ इसी सारी बातों के साथ. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. ओ ओके ओके, वेट 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 वेट, बिफोर आई गो आई हैव टू शो यू गाइज हाउ टू सेव दिस, राइट? यहाँ से आप आए, सेव करेंगे आप. ठीक है जी, मैं आ गया इधर से डायरेक्ट डेस्कटॉप पर. डेस्कटॉप पर आके मैंने इधर लिख लिया अनटाइटल्ड, नहीं मैंने DSC लिख लिया. ये फोटोशॉप के सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पर, ये देखें DSC.PSD. अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट पर आया मैं. क्विक एक्सपोर्ट एस PNG किया मैंने. इधर आया मैं सीधा डेस्कटॉप के पास. ठीक है जी, मैंने DSC इसका नाम दिया हुआ है, सेव हो गया. एंड नाउ इफ यू गो टू द डेस्कटॉप यू विल फाइंड दिस देयर. वेयर ऑल डन, सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.